प्रतिक्रिया दिलाई। इससे मेरा बहुत इमोशनल, बहुत 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 इमोशनल नाता है। जब इसने गाया तो जाहिर है कि मैं बहुत खुश, और ये वैसे शैतान लगता है, पर इसकी जो आंखें हैं वो बहुत उदास है। तो मैंने इसको जुनून में नाम दिया था उदासी का घेरा, और मैं उसके बाद जहाँ भी जाती थी लोगों ने इस गाने का कहाँ है वो उदासी का घेरा वो हमेशा पूछते थे। और कुछ ऐसा हुआ कि कंपटीशन ऐसा था कि मैं फोक फोक की जूरी में थी और ये सूफी में बैठे थे, पर इनकी रूह जो है वो फोक बहुत थी। और गज्जी अभी है नहीं, ये तो भी शेयर करते कि क्या हुआ कि फोक को बहुत सारे हिंदुस्तान की वजह से बहुत वोट मिल रहे थे, कि इतना अच्छा गा रहे थे, इतना अच्छा गा रहे थे, इन लोगों को वोट नहीं मिल रहे थे। तो एक दिन मैंने अपने टेलीविजन पर बोला है कि नहीं, मैंने बोला कि देखो भाई, अगर मुझसे प्यार करते तो याद रखना कि गा ये अच्छा है, तो आप अगले में बता दीजिए। आई स्वेयर पूरे हिंदुस्तान ने इन लोगों को वोट दिया और बहुत अच्छा लगा। फिर इत्तेफाकन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं शबाना और जावेद भाई के साथ जिसमें 2 साल पहले गई थी, और जैसे मैं पहुंची लाहौर तो ये फैसलाबाद से चल के आया, अकेला नहीं, वालिद भी आई, अम्मी भी आई, दोनों बहनें भी आई, उनके बच्चे भी आए और भाई भी आए, और हम लोगों ने पूरा दिन, तो जावेद भाई को हमने बुलाया कि आई जब ये आया है अली अब्बास मिलने के लिए आया, वो बैठरूम में आए, उन्होंने कहा हैं ये तो मुझे लग रहा मैं इस्लामाबाद ही पहुँच गया, इतने सारे फैसलाबाद पहुँच गया, इतने सारे सारे लोग प्यार से मिलने आए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि बहुत प्यारा लड़का है, बहुत ही सुकून वाला लड़का है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बहुत अच्छा गाता है, और ये जो इश्क कमाल इनके इसका नाम है, कमाल का आदमी है, बहुत ही इश्क मिजाज का है, इसलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक तो सुरीला तो है ही, आपने सुना, और मेरी मुलाकात चंद दिन पहले हुई, लेकिन उनसे गायबाना तारुफ था हमारा, जब एक तो सुना मैंने। और खास बात यह है कि कुछ ऐसे फनकार होते हैं जिन पर अल्लाह ताला का कर्म होता है, ये वो एक शख्स है, और क्योंकि सूफियाना कलाम, गज़ल और रूदारी, सुर का लगाना, हर चीज़ इनमें मौजूद है। हम यही दुआ करेंगे कि उनको तरक्की अल्लाह ताला दे देना है, और इसलिए मैंने जानबूझकर इनसे वो रिक्वेस्ट की थी गज़ल, क्योंकि गज़ल भी गाना उसका मिजाज समझना वो भी अलग बात होती है, बहुत कम लोग उसका वो समझ सकते हैं और गा सकते हैं, ये हर चीज़ करते हैं मेरी दुआएँ के साथ। You know, I also have want to definitely thank Times Music for this. बस कुछ दिन पहले ही हम एक बहुत ही शानदार एल्बम की लॉन्च में हैं, और हर आर्टिस्ट, हर फनकार, हर म्यूजिक डायरेक्टर को यही सपोर्ट चाहिए होता है, कि क्योंकि हर कोई सोचता है कि मेरी टिकट क्या होगी, मेरी टिकट सिर्फ बॉलीवुड होगी, ना दैट्स रॉन्ग, बिकॉज बॉलीवुड एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट म्यूजिक को अपनी पहचान देना और अपनी एक जगह देना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ टाइम, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि हमारी तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री तो नहीं, और आज कुछ भी म्यूजिक बन रहा है, वो कुछ भी बन रहा है, जो भी कुछ अच्छे गाने बन रहे हैं, सबको लगता है सिर्फ फिल्म के लिए ही बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं बस सभी से ये कहूँगा कि दलित जी ने तो इतना बहुत कह दिया अली अब्बास के लिए, ऑब्वियसली इतना अच्छे से और इतने अच्छे वर्ड्स में उनको क्या कि मैं अली अब्बास के लिए, मेरे लिए कोई शब्द नहीं, बिकॉज इन्होंने सिंगिंग, उनकी सिंगिंग और उनके जो उनकी जो तैयारी है उनसे प्रूव कर दिया कि वो क्या है। लेकिन मैं साथ ही साथ टाइम्स म्यूजिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े प्यार से, बड़े भरोसे के साथ यहाँ आया है, आप इसे जितना अपनाएं, इसकी म्यूजिक को जितना प्रमोट करें, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि म्यूजिक के पीछे कोई तरफ नहीं होती है और हमेशा सुर मिले हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अली ना ही एक अच्छे सिंगर हैं, बल्कि बहुत ही प्योर और बहुत ही साफ इंसान भी हैं, और ये सब ऐसे अकेले सिंगर हैं जिनके बारे में मैं कहती हूँ कि इनको अगर माइक पकड़ा दें तो माइक में कोई इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ही हैज़ अ नेचुरल रिवर्ब इन हिज वॉइस,
So that quality is very rare in many singers. So God bless you. Congratulations. देखिए आपने सुना अली अब्बास को, इतना अच्छा आर्टिस्ट है, इतना अच्छा फनकार है. मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि यार जब उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि ये एल्बम लॉन्च करने आना है, क्योंकि मैं तब से इसका फ़ैन रहा हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसका गाना, उसकी गायकी, इसकी सोच, इसकी सादगी वो बहुत अच्छी लगती है. और सिंगिंग में जिस तरीके का अलग अलग स्टाइल से वो गाता है, जैसे चाहे वो गज़ल हो या सूफियाना हो या फोक हो, तो हर चीज़ में उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी आवाज़ बहुत ही प्योर. और जितना अच्छा इंसान है उतना ही अच्छा गाता है, बल्कि उसका उल्टा कहूँगा, जितना अच्छा गाता है उतना ही अच्छा इंसान. देखिए बॉलीवुड ज़रूर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नॉन फिल्म है. ये एल्बम जो उसने रिलीज़ किया है, इश्क कमाल, बहुत ही कमाल का एल्बम है. उसके गाने हमने सुने यहाँ पर. और यू नो, बॉलीवुड एक ज़रिया है जहाँ पे आर्टिस्ट अपने आप को पॉपुलर कर देता है, लेकिन वो ना सिर्फ एक ही ज़रिया नहीं है. ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नॉन फिल्म में एल्बम्स हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, लाइव प्रोग्राम्स हैं. तो उसके थ्रू ऑल्सो लोगों तक अपना संगीत आप पहुँचा सकते हो. और आज इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग सिर्फ बॉलीवुड को सोच के ही संगीत नहीं बनाते, बिकॉज म्यूज़िक की अपनी एक पहचान है, अपना एक आर्ट फॉर्म है. और बहुत ज़रूरी है हर आर्टिस्ट को और हर कंपोज़र को हर फनकार को समझना कि उसके अंदर जो ऊपर वाले ने दिया है म्यूज़िक, वो बहुत पावरफुल चीज़ है. और सिर्फ बॉलीवुड के लिए ब्रेक के लिए वेट करना और फिल्म में मुझे गाना मिले, हाँ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. और अली अब्बास बहुत ही डिज़र्विंग है सिंगर, जो बॉलीवुड में डेफिनेटली अपना नाम कमा सकता है. लेकिन अगर उसको ये मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात, कोई कुछ ऐसी हर्ज नहीं है. हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम अली अब्बास के साथ बहुत ही जल्द काम करें. एंड आई होप दैट विल हैपन सून.